खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे से है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कस्बे के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासन ने आमजन कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन है उनकी पूर्ण पालना करने की अपील की। फ्लैग मार्च में सीकर ट्रैफिक डिप्टी SP विकास भी शामिल रहे। लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार जोरड़ ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की ज्यादा से ज्यादा पालना करने के लिए आमजन से अपील की गई। उन्होंने बताया है कि अभी लोगों को सावधान किया गया है, अगर कोई कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक डिप्टी SP विकास कुमार ने बताया कि कस्बे में यातायात से मुख्यतः सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के मुद्दे हैं, जिसके लिए आमजन से अपील है कि पार्किंग सही से करें और अतिक्रमण ना करें। फ्लैग मार्च के दौरान लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार भीमसेन सैनी, सीकर ट्रैफिक डिप्टी SP विकास कुमार, पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार जोरड़, EO अशोक चौधरी, SHO अशोक चौधरी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे।